आज पुराना शहर में जो फंक्शन हॉल्स है वो मैनेजमेंट ओनर्स मैनेजर्स को पुलिस का साथ एक मीटिंग लगाया, क्योंकि ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर फंक्शन हॉल्स को मैरिजेस बर्थडे फंक्शंस कई फंक्शंस में जो आदमी औरत बच्चों लोग गाते हैं उनके सेफ्टी करने के लिए सेफ्टी होने के लिए सेफ्टी इंश्योर होने के लिए कानूनी के अनुसार वो अंदर एग्जिट एंट्रीज पार्किंग प्लेसेस अंदर ऑपरेशन एरिया में भी वो सीसी कैमरास लगाना है। वो भी जो स्पेसिफिकेशन दे दिया गवर्नमेंट उनके अनुसार ये लगाना है। ये हैदराबाद में गवर्नमेंट ऑलरेडी सैंक्शन हुआ, हर एक मेन एरियाज में पब्लिक सेफ्टी के लिए इंस्टॉल कर दिया। और हैदराबाद एमपी साहब पुराना शहर के एमएलएस भी अपने अपने फंड से कई प्लेसेस में लगाया। हमारा सीपी साहब ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी स्कीम के अंदर एनएमडीसी सिंगरेणी कॉलरीज एनटीपीसी कई एलएनटी कई ऑर्गेनाइजेशन से हमारे एरिया में लगा दिया, लेकिन कम्युनिटी का साथ और कम्युनिटी फंक्शन हॉल्स मैरिज फंक्शन हॉल्स हॉस्पिटल्स स्कूल्स ये कई प्लेस में भी अपने अपने से लगाना है। ये कानूनी के अंदर वो स्पेसिफिकेशन साथ लगाना है। अभी तक पुराना शहर थोड़ा मिडिल क्लास लोग है, इकोनॉमिकली थोड़ा मिडिल क्लास है, इसीलिए हम ज़्यादा प्रेशर लगाए नहीं, लेकिन हम सबसे कानून लॉ ऑर्डर में हर एक इश्यूज़ में क्राइम कंट्रोल में आगे है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन में पीछे है। हर एक कॉलेज में जो बच्चे रहते स्कूल को जाते ये उम्र में बच्चों का सेफ्टी करने के लिए स्टूडेंट्स का सेफ्टी होने के लिए हर एक प्लेस में ये सीसी कैमरा ज़रूरत है। ये 186 फंक्शन हॉल्स वो लोग हमको वादा किया, ये नैनू सहितम स्कीम के अंदर वो लगाया जा रहा है। मक्का मस्जिद में भी गवर्नमेंट फंड से अभी अच्छा तरफ सीसी कैमरास लगा रहे हैं। तो इसी तरह पुराना शहर में हर एक एरिया में लगाएगा तो बाहर से ये नॉर्थ इंडिया से कोई क्रिमिनल नहीं आते, शेल्टर लेने के लिए नहीं आते। हमारा बच्चों का हॉल्स में जो आदमी हज़ारों के लोग बहुत खुशी से मनाया जाता है उन लोगों को सेफ्टी मिलते हैं, इसीलिए अभी टाइम आ गया ये ज़रूर ये इंस्टॉलेशन करने के लिए। अभी उन लोगों से वादा मिला 2 महीने से अंदर ये अच्छा सिक्योरिटी के लिए वो इंश्योर कर लिया। वो सभी लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ।